हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आपको इससे पहले जो आपने जितनी भी वीडियोस देखी थी वो सब हमारी बेसिक ग्रामर थी। अभी आपकी न्यू बुक है GSEB की, ये आपको डाउनलोड करनी है। GSEB board.in में जाके आप अपनी इंग्लिश की बुक डाउनलोड करनी है। स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 द वर्ल्ड अराउंड अस। अवर चैप्टर नेम इज़ द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। ये जो हमारी अर्थ है इसकी ये जो ग्लोरी दिन पर दिन कम होती जा रही है। लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन। बहुत लंबे समय पहले जो हमारी अर्थ थी वो ग्रीन एंड क्लीन थी, हरी थी और साफ थी, हरियाली थी सब तरफ। इट प्राउडली कैरीड एंड न्यूचर्ड ए नंबर ऑफ ट्रीज। इसमें बहुत सारे पेड़ों की बहुत सारे पेड़ थे पृथ्वी के ऊपर। बट आफ्टर सम टाइम, पर थोड़े समय बाद क्या हुआ, सम वन इन्वेंटेड मशीन, किसी ने मशीन की खोज की थी टू मेक लाइफ कंफर्टेबल, जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए। द मशीन वर यूज्ड एंड लाइक्ड बाय मैनी। जो मशीन थी वो बहुत से लोगों ने पसंद की और उसका यूज़ किया, क्योंकि मशीन का यूज़ तो सब अच्छी तो लगती, क्योंकि मशीन का यूज़ करने से जो होता है वो हार्ड वर्क कम हो जाता है और जल्दी वर्क होता है, तो इसलिए जो मशीन थी उनका यूज़ भी सबने किया था और सबने पसंद भी की थी। हाउ एवर वी नाउ रियलाइज, पर अब हमको ये रियलाइज़ हो रहा है दैट द अर्थ गेट्स वार्मर एंड हैज़ लेस नेचुरल ब्यूटी। जो हमारी अर्थ है वो दिन पर दिन गर्म होती जा रही है और उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो भी कम होती जा रही है। द सन्स रेज ईच द अर्थ ईजीली। जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पर पहुंच रही है एंड डैमेज हर ब्यूटी, और उसकी सुंदरता को डैमेज कर रही है। दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फौना। और इससे क्या हो रहा है, दिस हैज़ ऑल्सो चेंज आ रहा है फ्लोरा एंड फौना की लाइफ में। फौना की लाइफ में, फ्लोरा मीन्स घास फूस और फौना मीन्स एनिमल्स होते हैं, तो उनकी लाइफ में भी इससे चेंज हो रहा है। टुडे टॉक्सिक मटेरियल आर फाउंड एवरीवेयर। अब आज हर जगह जहरीले मटेरियल मिल रहे हैं। द पॉल्यूटेंट्स आर इन द एयर। जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ऐसे तत्व हैं जिनसे पॉल्यूशन फैलता है, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो हवा में, पानी में और ज़मीन में मिल चुके हैं। द पॉल्यूटेंट्स आर इन द वाटर एंड लैंड। नाउ लिसन, आई एम रीडिंग। लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन। इट प्राउडली कैरीड एंड न्यूचर्ड ए नंबर ऑफ ट्री। बट आफ्टर सम टाइम सम वन इन्वेंटेड मशीन टू मेक लाइफ कंफर्टेबल। द मशीन वर used and liked by many. However, we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. The sun's rays reach the earth easily. Easily means आसानी से, and damage her beauty. This has also led to change in flora and fauna. Today, toxic material are found everywhere. The pollutants are in the air, water and land. अभी नीचे देखो आप, did you know लिखा है ना बॉक्स में, क्या आप जानते हो? First, the temperature of the earth is increasing every year. जो temperature है अर्थ का वो हर साल बढ़ता जा रहा है। The temperature of the earth is increasing every year. हर साल जो पृथ्वी की गर्मी है या जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, तापमान है, वो धीरे धीरे वो हर साल बढ़ता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ गेटिंग लेस। जो रेनफॉल है, जो बरसात है, उसका अमाउंट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बरसात कम होती जा रही है धीरे धीरे। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ गेटिंग लेस। वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। भविष्य में जो पानी है उसकी बहुत कमी हो जाएगी, यानी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा भविष्य फ्यूचर। जब जिस चीज़ की कमी हो जाती है, पानी ख़त्म होता जा रहा है, बारिश नहीं होगी तो धीरे धीरे पानी की कमी होगी,
तो इसलिए जो है एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, जो भविष्य में है वो पानी धीरे धीरे महंगा हो रहा है। वाटर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। ये जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी की गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होंगे, बहुत सारी लाइफ्स ख़त्म हो रही है, किल्स हो रहे हैं, मर रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स, बिल्कुल गायब हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे थोड़े दिन में। द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट। अभी आपको होमवर्क में ये चैप्टर रीड करना है, और इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ओके, थैंक यू।